नमस्कार, मैं हूं नितीशा और आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी। हरिद्वार में चिन्हित राज्य आंदोलनकारी समिति के केंद्रीय अध्यक्ष दिवंगत जेपी पांडे की प्रतिमा और उनके नाम पर गंगा घाट बनाने की मांग उठ रही है। हरिद्वार पहुंचे पूर्व राज्य मंत्री और राज्य आंदोलनकारी समिति के संरक्षक धीरेंद्र प्रताप सिंह ने उत्तराखंड सरकार से ये मांग की है। हरिद्वार के एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर धीरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि जेपी पांडे ने उत्तराखंड राज्य निर्माण की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लगातार वो राज्य आंदोलनकारियों की लड़ाई को लड़ने आए थे, इसलिए राज्य सरकार हरिद्वार के शंकर आश्रम तिराहे पर जेपी पांडे की प्रतिमा लगाएं और हरिद्वार में गंगा किनारे उनके नाम से एक घाट का निर्माण भी करवाएं। विशेष अवसर है, आज जेपी पांडे जी की 13वीं थी और आपको मालूम है कि 11 नवंबर को एक बहुत ही दुखद घटना में उनका निधन हो गया। और वो अपने आप में कुख्यात है। मैंने ये भी कहा कि उनकी स्मृति में एक प्रतिमा लगाने की हम लोगों ने मांग की है किसी हरिद्वार के प्रमुख स्थान पर, कोई और भी उपयुक्त स्थान जो नगर पालिका या नगर निगम जिसके पास भी हो तो उनसे हम लोग मांग करेंगे। दूसरा, हमने ये भी कहा कि उनके नाम से हमारे पवित्र गंगा के किनारे, माँ गंगा के किनारे को अगर हो सकता है, उन्होंने कई बस्तियाँ बसाई थी जो उनके नाम से है, जेपी पांडे बस्तियाँ। वो गरीब गुरबा और संघर्षशील लोगों का नेता थे। मैंने इस परंपरा को शुरू किया, जो शुरुआत हमने की थी बतौर मंत्री होते हुए आंदोलनकारी के चेयरमैन होते हुए, बस जो भी आंदोलनकारी अगर उसकी मृत्यु होती है तो इस तरह से स्वाधीनता सेनानी मिलना चाहिए।